वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाइयों ने आपको वेलकम किया आज सुबह। आपके अलावा सारे प्यारे हैं, उन्होंने सबसे ऊंचा थैंक यू कहा था। इनको छेड़ना मेरा काम है, हर किसी के साथ अपने लेवल की दुश्मनी है, लेकिन अल्लाह दित्ता इज़ माई फेवरेट, ये सब जानते हैं। कालू सम्राट ग्रुप हमारे साथ डेली होता है मॉर्निंग विद जुगन में। बहुत ग्रेटफुल है आलू सम्राट को के उन्होंने हमारे साथ अपनी ये टीम शेयर की। खुरम, अलादित्ता, मकसूद, आसिफ, विकी एंड रिजवान डेली हमारे साथ होते हैं। आपको पता है व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हमारी टीम में जो लोग भी शामिल हों हम उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराएं। और हम जब बात करते हैं जश्न बहारा की या बहार के मौसम की, फूल, रंगारंग कपड़े, गाना, डांस, हर किस्म की चीज़ जहन में आती है। एक्चुअली बहार का वो वाहिद मौसम होता है ना जब ज़्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है। इंसान अगर बाहर बैठना चाहे तो बाहर बैठ सकता है, घर के अंदर भी गर्मी नहीं लगती, एक कम्फर्टेबल माहौल होता है। और ऑब्वियसली जब इंसान कम्फर्टेबल होता है तो इंसान का जी चाहता है कि वो सेलिब्रेट करे। मेरे लिए तो बहार का मौसम हमेशा एक सेलिब्रेशन का समा रहा है, जहाँ पे आप अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, इन्जॉय करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं। आजकल तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ना कि गर्मी आने लगती है तो इंसान को हॉल उठने शुरू हो जाता है कि आए हाय, अगर कोई सालगिरह या कोई फंक्शन आ गया तो एसी चलाना पड़ेगा, एसी चलाया तो इतने हज़ार का बिल आ जाएगा। ये बड़े मसाइल हो गए ना, पहले तो बहुत एक चिल एटमोसफेयर होता था। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी अब इस लेवल की होती है कि वो पंजाबी वाला त्राई निकल जाता है गर्मी में। सो ये गुफ्तगू तो हम करेंगे कि बहार और जश्न बहारा हमारे गेस्ट के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है। लेकिन अभी मैं बुलाना चाहूँगी शो पे मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई को, एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्हें जब भी मैंने कॉल की है कि भैया स्पेशल शो करना है आ जाएं, कभी अपने घर पे कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, एक फ़ोन कॉल, बल्कि फ़ोन कॉल क्या, व्हाट्सएप मैसेज कर देती हूँ और ये मेरा भाई जो है ना अपनी जान हथेली पे रख के हाज़िर हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे प्यारा भाई तो ये बात गलत नहीं होगी। अब असद जो मेरा बायोलॉजिकल भाई है वो नाराज़ ना हो, लेकिन अदनान सरवर शेख साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये इनका, इनको टाइटल ये नहीं मिला हुआ क्योंकि मेरे भाई हैं तो इस वजह से वो है। एक्चुअली माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि जो दरख्त झुका हुआ होता है उसी को फल लगता है। बेशक जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और अगर हम सोचें कि एक इंसान CEO है वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन्स का, तो ये बात गलत नहीं होगी। बॉम्बे चावपत्ती के आप CEO हैं, उसके अलावा मिठास इनकी बहुत ही अमेजिंग एक नया वेंचर है। जी जी बिल्कुल, कंसिडरेबली न्यू। जी जी बिल्कुल, इस तरह ही है। माशाल्लाह मेरे बेटे का भाई हुआ, पहली दफा एक्चुअल वाली फुफो बनी, वरना तो आपके बच्चों को भी मैं फुफो, बट आपको पता ना दादा, वो जो अपना बायोलॉजिकल भाई होता है, फर्क बात होती है। तो असद के बेटे की पैदाइश पे, असद की शादी पे, मतलब जो भी कोई इवेंट कोई चीज आई है तो मैंने अपने भाई से ही बॉक्सेस बनवाए हैं, पे करके। बाय द वे ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ, लोग सोचते हैं वो वाली बात है, आप सामने खड़े हैं, आप भी करता हूँ आपकी इस बात को। सो द पॉइंट इज बिकॉज मतलब जिस किस्म की आपकी मिठाई और खाने पीने की चीजें होती है। सो अदनान भाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज बहुत शुक्रिया जी, बॉम्बे चावपत्ती के मेंबरान हमारे साथ हैं। बिल्कुल आपके साथ हैं जी, आपको डिफरेंट चीजें टेस्ट भी करवाएंगे, गेस्ट को भी खिलाएंगे। जी बिल्कुल, गेस्ट को भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी टीम से भी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए उतने ही अहम है जितने आप हैं या कोई और हमारा गेस्ट है। और फिर म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, एक्साइटमेंट, बल्कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे दो ऐसे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस है जो मैं क्या कहूँ, दोनों ही बहुत बड़े सेंसेशंस हैं अपने अपने राइट में। जो जेंटलमैन हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से 10 गाने गा चुके हैं, और इसके अलावा PSL का सॉन्ग भी उन्होंने गाया है, और वो उसके 300 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनकी परफॉर्मेंस से ही उनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। आइए मिलते हैं उनसे ब्रेक के बाद।
दुखी कर दिया तुमने, क्या करते हो बेटा, ना करो, हम सबको अपने अपने दुख और गम याद आ गए। हाँ जी, देख ले मैंने अपना गम ट्रांसफर किया। नहीं ये क्या बदतमीजी की है। अच्छा ये बताओ जरा, इस गाने के पीछे क्या सेंस है? बड़े लोग पूछ रहे हैं, आपको पता है हर बंदा ये पूछ रहा है कि इसके पीछे क्या कहानी है इस गाने की। देखिए गाना तो ये कवर सॉन्ग किया मैंने। सच्ची बताओ मुझे तुम कि तुम्हारे तुमने जब गाया इस गाने, देखो कोई भी कवर सॉन्ग जब हम सेलेक्ट करते हैं जी जी, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है, दुख होगा कोई मेरा अपना। बताओ ना जरा हमें, बताओ ना क्या दुख है। दुख होगा तो बाहर आ रहा है। हंस रहे हैं आप ये बात सुन के। जी लोग तो हंसते हैं ना। लोग का काम है हंसना, वो तो हंसेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आ जाओ बेटा जल्दी से हमारे पास आके बैठ जाओ। अच्छा जब इनकी बात कर रहे हैं तो एक ऐसी चंचल क्यूट और अडोरेबल यंग लेडी जो हंसी जा रही थी गाने के दौरान और साथ साथ गा भी रही थी और हंस भी रही। अच्छा गाना दुख भरा, मजाल है कि ताहिर के मुंह से मुस्कुराहट आती हो? बिल्कुल तुम दुखी लग रहे हो। मैं उसकी जगह एक्टिंग कर रही थी बैठ के, कभी मैं ऐसे हो रही थी, कभी मैं ऐसे हो रही थी। आगे से हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है आशमी साहब, वो कह रहे बस कर दे गाना, दिल पे ही लगा लिया आपने। तो मैंने कहा बिल्कुल एक्टिंग भी साथ साथ कोई करे ना, परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि उसमें हम अपने डांस ग्रुप को तो उठा नहीं सकते, इसमें वो क्या करते ऐसे करके जाते फिर ऐसे करके जाते, तो हमने कहा कि हम ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा चले हम अपनी मजाक से बाहर निकलते हैं, जिस बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ, विद अ गॉर्जियस स्माइल सिंगर एक्ट्रेस मॉडल अमीरा मीर हमारे साथ हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। इश्क बेपनाह इनका लेटेस्ट सॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी हंसी क्यों आ रही थी तुम्हें, पहले ये तो बताओ ना मुझे। मतलब दुखी गाने वो भी हंसे जा रहे, आप भी हंसे जा रहे हो, मैं गिरी जा रही हूँ कुर्सियों से, हो क्या रहा था? एक्चुअली मुझे बहुत मजा आ रहा था और उस मजे को मैं स्माइल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। चलो जी, किसी का सोच के याद आ रही थी और फिर मैं स्माइल कर रही थी। किसी का जी जी, हर कोई किसी का सोच रहा है लेकिन बता नहीं रहा कि किसी का सोच रहा है। हमारा शो भी वायरल कर दो बेटा, कह दो कुछ ना कुछ गलत सा, बिल्कुल नहीं कहना हमारा वो प्रोग्राम नहीं है। चलो आ जाओ मेरा बेटा बैठ जाओ। ओके अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक फादर डॉटर ड्यो। हम अक्सर देखते हैं कि बेटियां जो हैं वो म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान है और उनकी मदर्स जो हैं वो उनको पुश कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारी जोड़ी है जहाँ पे जो फादर हैं वो यूएसए में रहते हैं, यूएसए से आए हैं और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। 1996 में यूएसए चले गए और एज अ ग्रेट आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहे। GCU यानी कि ओल्ड रावियन भी हैं, वहाँ से अपना मास्टर्स भी किया है और बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इनका ताल्लुक भी रहा है। इनकी बेटी भी आज हमें ज्वाइन करी हैं, वो भी बहुत ही वंडरफुल सिंगर है। दोनों को आज सुनेंगे भी और गाने भी सुनेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ इरफान ज़िया की और सना ज़िया की। तो थोड़ा देखेंगे जो हमने इतने स्टॉल लगाए हैं बॉम्बे चावपति के और एक मिठास का भी हमारा मिठाई का स्टॉल है, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने आज किस किस चीज के स्टॉल लगाने हैं, तो मैंने फिर भैया को कहा, मैंने कहा देखे ठीक है बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है लेकिन मिठाई भी जश्न बहारा का एक बड़ा मेजर हिस्सा होता है और रंगारंग मिठाइयाँ होती हैं और हर और कुछ हो ना हो मीठे में खाने के लिए मिठाई ज़रूर होती है। मिठाई एक्चुअली मोहताज नहीं है किसी मौके की। अगर आपको मिठाई पसंद है जिस तरह मुझे पसंद है तो हर दूसरे दिन आप अपने घर पतीसा मंगवा लेते होंगे किसी न किसी बहाने से कि आज जो है वो नूर माशाल्लाह ज़्यादा मुस्कुराई है चलो मिठाई मंगा लेते हैं, आज हसन ने किसी का सर नहीं फाड़ा स्कूल में मिठाई मंगा लेते हैं, आज हमजा क्लास में पास हो गया फेल नहीं हुआ मिठाई मंगा लें, हर मौके में मिठाई मंगा लें ताकि मिठाई खा सके। मिठाई तो हम सबको ही बड़ी पसंद है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रंगारंग मिठाइयाँ खाने पीने की चीज़ें, चाट का भी स्टॉल है, डोसा आज हम पहली दफ़ा शो में लाइव आपको बनाना सिखाएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो फादर डॉटर डियो है इनके बारे में भी जानना जरूरी है और फिर जाके हमने अपने स्टॉल्स भी चेकआउट करने हैं खाने के। अच्छा जी इरफान साहब, ये बताएं कि सिंगिंग की तरफ कब रुझान हुआ, किस एज पे, किस स्टेज पे? सिंगिंग का तो मुझे बचपन से शौक था, मैं गाता था थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा मुझे शौक पड़ा जब मैं जीसी में गया कॉमन कॉलेज। वहाँ पर बकायदा म्यूजिक सोसाइटी है, अभी भी है, उस वक्त भी थी, हमेशा से चल रही है नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी। वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना वाला, लाइक शफकत अमानत अली खान साहब थे वहाँ पर, अधिका कियानी थी उस जमाने में, तो वहाँ पर ज्यादा शौक पड़ा मुझे गाने का। अच्छा कि उनके साथ साथ जी, ना जी, आपका एक डायनामिक शुरू हुआ। बकायदा उसके बाद फिर मैंने उसको सीखा जितना भी सीख सकता था। बकायदा अपने मैंने लाहौर में 8-10 गाने बना चुका हूँ, बकायदा मैंने रिलीज किए थे। बिल्कुल। और आपका फिर म्यूजिक की तरफ कैसे और कब रुझान हुआ सना? मेरा बचपन से ही शौक था, आई गेस इनकी वजह से भी, डैड सन्स गाते हैं, मॉम भी, तो मॉम भी गाती हैं। हाँ जी। अच्छा, ओके, पूरी फैमिली को सिंगिंग जी, बिल्कुल जी। तो यू स्टार्टेड एट एज 4? यस, सही। और अभी तक कितने गाने बना चुके हो जानी, या अभी प्रोसेस में हो? अभी प्रोसेस में। अभी आप प्रोसेस जी। भैया आपके कितने सॉन्ग्स अब रिलीज हो चुके हैं? मेरे अबाउट 10 सॉन्ग बन चुके हैं। बन चुके हैं। मैंने हाँ जी कुछ चैनल्स पे भी परफॉर्म कर चुका हूँ, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी पाकिस्तान में आना चाहता हूँ, और ज्यादा काम हो यहाँ पर म्यूजिक पे, अच्छा काम होना चाहिए। सही। जो पहले से ही हो रहा है और भी होना चाहिए। और भी होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके चलें, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर स्टॉल्स एंड चेक आउट द फूड सिचुएशन, फिर जरा आप दोनों की जिंदगियों को भी थोड़ा सा टटोलते हैं। वीरा को तो अभी तो मैंने दोनों को टिकटॉक के ऊपर लेक्चर दिया। सोचो मैं ये कहती, मैंने कहा मैं बुड्ढी वाली लेक्चर दे रही हूँ टिकटॉक के ऊपर। ओके तो हम आ गए हैं अपनी चाट के स्टॉल पे। थोड़ा सा डिटेल्स हमें देंगे इसके बारे में। ये बेसिकली जी बॉम्बे चौपाटी वाहिद ब्रांड है पंजाब के अंदर, जो इस तरह की चाट पूरे पंजाब को पिछले 10 साल से खिला रहा है। और राजचोरी, पानीपुरी, गुजराती पुरी, दही सेव पुरी, ये सब ऐसी चाट्स हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम खिला रहे हैं। सही। ब्रांडेड दही है, योगर्ट है, जो हमारी सेहत के साथ नहीं खेलती। जो खट्टापन हम यूज करते हैं वो मिनरल वाटर से बनाते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं ताकि आपकी क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी वाली बने। बिल्कुल। और ये हमारे इस यंग मैन का नाम क्या है? ये इसका नाम विकास है जी, ये पिछले 9 साल से मेरे साथ है। 2013 में वी स्टार्टेड बॉम्बे चौपाटी फ्रॉम एमएम आलम रोड, और वहां से लेके आज तक ये एक किस्म का हमारे टीम का हिस्सा है। बिल्कुल सही। अच्छा हमारे कुछ बाशिंदे जो हर बार खाए बगैर जाने से इनकार कर देते हैं, हमारे जो डांसर हजरात हैं। अच्छा जी आज क्या क्या बना रहे हैं हम? पानी पूरी है, गुजराती पूरी है, दही सेव पूरी और राज कचौरी है। क्या खाना है भाई, बरामद हो जाओ ना इधर जरा। राज कचौरी, चले जी एक राज कचौरी बना के दिखाएं ना जरा, हम अपने बच्चों को खिलाएं। ये जो हमारे मासूम मासूम से बच्चे हैं ना, हम इनको खिलाते ये हैं। इनके लिए काफी है ना, क्योंकि ये खाने वाले लोग हैं ना, तो ये खाने वाली एक चाट बनती है। अच्छा तो आप इसमें सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? भल्ला डालेंगे। अच्छा भल्ला डालेंगे। अच्छा उसके बाद सर? उसके बाद जी पकौड़ियाँ आएंगी, फिर आलू आएंगे, ठीक है, बूंदी आएगी, ओके, चने एंड प्याज आएंगे उसके बाद। यानी कि काफी कुछ इसके अंदर जाता है। जी इसके अंदर ये सरप्राइज पैकेज है, आपको हर बाइट में नया जायका मिलेगा। वाओ, ओके। चाट मसाला आएगा। और ये तो बहुत ही मजे की होती है, और एक बंदा आराम से उसको ये दो तीन बंदे शेयर कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट फिर क्या डालेगा? नेक्स्ट ये ग्रीन चटनी है हमारी स्पेशल, जो बॉम्बे चौपाटी की रेसिपी है। कितनी को डालनी? दैट्स इट। और ये मीठी चटनी है जो खजूर और ये डिफरेंट चीजों से बनती है। एक और डालें इसमें? एक और डालें, ये ज्यादा डलता है। ओके और फिर ऊपर से दही? ऊपर से योगर्ट। ऊपर से योगर्ट आ गया। योगर्ट आपने 4 चम्मच डालनी है। 4 चम्मच? जी बिल्कुल। उस बेचारी में इतनी जगह है, तो आप बाहर भी आ जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है ये हो गया। अच्छा वो बता के सारा उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी हो जाए जी। वन, दैट्स इट। ओके अब इसके ऊपर चाट मसाला आएगा और थोड़ा सा हमारा नहीं ये एंड पे आएगा दोबारा। अच्छा ठीक है अब चटनियों से उसकी वो बना दो बेटा डिजाइन। अच्छा वो वही वाली बात है ना, खाना पहले नजरों से खाया जाता है। एग्जैक्टली आपका सबसे पहले आंखें पसंद करेंगी तो आपका खाना पसंद आएगा ना आपको। अच्छा उसको हमने नहला दिया जी, इसको नहला दिया हमने योगर्ट से और फिर बाद में दोनों चटनियों से, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बाहर के क्रंच में आ जाए। वाओ। अच्छा इसीलिए राज कचौरी इतने मजे की हमारी होती है। अच्छा इसको कराची में कहा जाता है गप्पा घोटाना, ये हमारे पंजाब में राजचोरी है, और पंजाब में भी सबसे पहले बॉम्बे चौपाटी ने इसको सर्व किया है
इससे पहले इस तरह की राज चोरी कोई सर्व नहीं होती। इसके ऊपर भी सेव आ जाएगी। चीज के ऊपर अब धनिया आएगा, इसके ऊपर जो आप धनिया डाल रही थी। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल। ये देखे ना फाइनल लुक इसकी। वाओ, ओके, देयर यू गो। ये को दो लोग खाएंगे मिलके, ऑब्वियसली अल्लाह देता, ऑलवेज फर्स्ट। अच्छा, गुजराती पूड़ी बनाएं जी, भरे हुए गोलगप्पे खट्टे पानी के साथ। अच्छा, पता है लोग गोलगप्पे भी, अब आपको ये गप्पे मिल भी जाते हैं मार्केट में, लेकिन घर पर समझ नहीं आती कि बनाएं कैसे, जायका कभी भी बाहर वाला नहीं आता। हमने बॉम्बे पार्टी ने एक पानी पूड़ी बॉक्स भी निकाला हुआ है जो अपने पंजाब वालों के लिए है, जो जिसमें हम लोग अपनी जो रेसिपीज चटनीज की है वो साथ देते हैं उसके। अच्छा, अब ये इसके अंदर क्या क्या डालेगा? इसके अंदर आलू, ये गुजराती पुड़ी है जिसको हम कहते हैं भरे हुए गोलगप्पे, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, एक एक प्याज। आप अपने गेस्ट को भी बुलाएं ना ताकि वो भी ट्राई करें सारे, आप वो बैठे हुए हैं, उन्होंने गाने गाने, आपने उनके गले बंद करा देने। ये भी बात ठीक है, सुबह मतलब मैं अभी उनको भी खिलाऊंगी मेरे बच्चों को। वो कहती मैं गा लूंगी खाने, क्या 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 खाओगी? आए आए, आप खाने वाली बने। मैं तो सब कुछ खा लूंगी, आप हमारा तो पैशन है खाना खिलाना, आप आए, आप ट्राई करें, यू विल लव इट। इनका तो फेवरेट है, प्लीज प्लीज। क्या फेवरेट है? ये गोलगप्पे। आओ बिटिया, आओ, गर्ल्स के लिए ये सारी चटनी खाने के बाद। तो आइए जरा, आपको तो मैं दूं ना, आए पकड़े अपनी जरा गुजराती पूरी, आप लेके जाए जरा। ये गुजराती पूरी है ना? ये गुजराती पूरी है, ये खट्टे पानी के साथ, इट मींस भरे हुए गोलगप्पे विद खट्टा पानी। There we go. Ready? और ये गोलगप्पे भी टॉप ऑफ द लाइन ऑयल में निकाले जाते हैं, कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी क्वालिटीज में, ताकि आपके किसी भी गले को कोई खराबी ना आए। तो किसी भी गले को, गला एक ही होता है भैया। चलो जी, लोग तो बहुत होते हैं ना, लोग तो बहुत किसी भी गले को। अब हम नेक्स्ट क्या बनाना सिखा रहे हैं? अच्छा, नहीं खट्टा पानी नहीं लेके जाना लड़की, खट्टा पानी भी है। अच्छा, वो अलग से मिलेगा इंशाल्लाह, और गला भी उसी हिसाब से हम खराब करेंगे। हाँ, वैसे ये आपके गले, आपके पानी में टाटरी डलती नहीं है ना, तो वो सिचुएशन आपको स्पून भी देता हूं। ठीक, उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये गले के लिए बिल्कुल ठीक है, इससे गला नहीं खराब होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज हम बनाएंगे? दही सेव पूरी। दही सेव पूरी, दही सेव पूरी खाएंगे अब हम। अच्छा जी, अब ये चाट टाइप ही है ना? ये चाट टाइप है, ये दही सेव पूरी है, बड़ी पापड़ी के ऊपर चाट बनती है। इसके ऊपर पोटैटो, अनियंस, चने, दाल, ये मिक्सचर पड़ा हुआ है आपके सामने। इसका हम टॉप ऑफ द लाइन इसका एक एक लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर हम चटनियों से इसको फिल अप करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और कैसर हमारे साथ है एट द डोसा स्टैंड। जी बिल्कुल। अब डोसे की सेंस बताएं, जैसे कि अभी ब्रेक में ये सवाल पूछ रहा था कि ये सब क्या इंडियन खाने हैं? नहीं, इंडियन खाने बेसिकली इंडियन खाने कह सकते हैं, मतलब कल्चर तो बताए, हम एक ही मुल्क थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ही मुल्क था, लेकिन ये एक्चुअली पाकिस्तान में पहले इसे अवेलेबल नहीं थे। हमने दुबई जाके इसकी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके हम अपने लाहौर वालों के लिए स्पेशल खुद बना रहे हैं। तो ये बेसिकली इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लोकल डेवलप कर रहे हैं। ये उनकी केरला और चेन्नई स्टेट है, वहाँ पे जिस तरह हमारा रोड साइड फूड क्या है जुगन, मुझे बात बताओ। हमारा तो ये रोड साइड फूड है, हमारा जो रोड साइड फूड है लाहौर का वो है अंडा शामी बर्गर। इसी तरह ये उनका रोड साइड फूड है जहाँ पे डिफरेंट हॉट प्लेट्स लगी होती हैं पूरे के पूरे उनके इलाकों में और वहाँ ये डोसा बनाते हैं। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं ना, ये जो इसका जो डो है ये बनती है चावल दाल राई और इनके ब्लेंड के साथ। अच्छा, मैदा नहीं इसमें डलता? नहीं, मैदा नहीं डलता इसमें, इसमें ब्लेंड होता है चावल के आटे का, इसमें राई होती है, इसमें दालों के आटे होते हैं और इसका एक कम से कम कोई 4-5 घंटे का प्रोसेस है इस डो को बनाने के लिए। ये ऊपर से उतारना है आपने। अच्छा। लेकिन अभी नहीं, जब तक नीचे से ये प्रॉपर कुक नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर से ये अभी इसको उतारना नहीं है। साइंस समझना चाह रही हूं ना कि इसके भी साइंस, इसका जितना आप थिन करेंगी, जितना आपका थिन होगा, ये ऊपर वाली जो डो है ये थिन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो एक तरफ से पकाते हैं और इसके अंदर वो आलू का मसाला और प्याज वगैरह करके इसको। अच्छा, वहाँ पे चिकन और गोश्त वगैरह नहीं यूजुअली डलता इसके अंदर? हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था चिकन डोसा भी, मटन डोसा भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गोश्त खोर हैं भाई, हम वेजिटेरियन नहीं है, हमें मटन भी चाहिए, हमें चिकन भी चाहिए, हमें इस फिश भी चाहिए, तो इस वजह से हमने ये चीजें अपनी तरफ से अपने लाहौर वालों के लिए ऐड की थी। ठीक है, ये अब इसके ऊपर से हमने उतार लिया सारा इसका जो एक्स्ट्रा डो थी। ठीक है, अब इसकी जो थिननेस है वो आ गई है, अब इसके अंदर हम इसको उतारेंगे नीचे हॉट प्लेट से, इसे क्रिस्प करेंगे और बीच में इसका मसाला आएगा। तो आलू फ्राई पैन पे घर पे नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, इसके लिए प्रॉपर आपको हॉट प्लेट चाहिए और हॉट प्लेट भी आपको यानी कि ये इसके लिए स्पेशल बनती है जिसके नीचे सब जगह इसके बर्नर्स हैं, सिर्फ एक जगह बर्नर नहीं है, इसके चार छह पॉइंट्स हैं जहाँ पे बर्नर्स हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो आलू वाला मादा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस तरह जो हमने वहाँ पे खाया वो फर्क है, यहाँ पे जो इसका, तो इसमें क्या क्या डलता है? इसमें आलू है, इसमें दड़ा मिर्च होती है, इसमें स्पाइस लेवल होता है और इसमें प्याज होता है। कुछ चीज़ें हमने एज अ लाहौरी होने की वजह से हमने बजाते खुद जब टेस्टिंग की तो कुछ चीज़ें हमें इंडियंस की नहीं समझ आई बिकॉज वो हमारे टेस्ट बड्स को मैच नहीं करती थी, फिर हमने वो चीज़ें माइनस की और अपने लाहौर वालों के लिए उसमें एडिशंस की उन जायकों को निकालने के लिए। नहीं, इसको उल्टा नहीं करना, मैंने करना है अपनी साइंस के लिए। अच्छा, अपनी साइंस के। अच्छा, अगर जिसने एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाना हो तो ऐसे कर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी। मैं एक्चुअली शक्ल दिखाना चाह रही थी ये वाली, अब ये देखे ना कि इसकी कितनी ये क्रिस्पी है और इसके अंदर जब आप डालते हैं ना तो इट्स लाइक हैविंग अ क्रिस्पी रोटी। एग्जैक्टली, आप एक डोसा खा ले आपका पेट, बल्कि यूजुअली दो लोग एक डोसा शेयर करते हैं। ये डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट इतना ज्यादा फैटनेस नहीं है, ये बेसिकली बहुत कम इसमें फैटनेस, चावल का आटा है और चावल का आटा वैसे ही हमारे लिए अच्छा होता है, बेसिकली दालों का आटा है वो एक एक। ये आलू का मसाला आ गया, अब हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, और थोड़ा सा इसको क्रिस्प करेंगे इसी हॉट प्लेट के ऊपर ताकि डो जो है ये 100% अंदर बाहर से क्रिस्प हो जाए। अब ये आलू का हो गया और इसी तरह आप चिकन, इसी तरह आप चिकन के एडिशन कर दें, इसी तरह मटन की एडिशन कर दें, आप नूडल्स डाल सकते हैं, कुछ भी चीजें आप डाल सकते हैं। अच्छा, मीठे की तरफ आगे जाएंगे, अभी इतना हमारे साथ जब खूबसूरत सा चेहरा है तो मेरी जान कुछ गाना भी सुना दो, हम अपना डोसा खाएंगे बैकग्राउंड। आप मेरी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर टू यू, डोसा खिला दिया हमने तुम्हें, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। सही, मैं तो कब से रेडी हूँ, आ जाओ मेरी जान।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसी ब्रांड की, एक ऐसी कंपनी की जिसकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जब फैन की बात करते हैं तो जहन में आता है रॉयल फैन। जी, रॉयल फैन आप जानते हैं, सात जिंदगी भर का लाइफ टाइम गारंटी है इनके फैंस की। पहले फैंस बहुत ही सिंपल होते थे, सिंपल वाइट से फैंस होते थे, तीन उसके वो पर होते थे एंड दैट वाज इट। अब फाइव परों वाले भी आ गए हैं। आई मीन द पॉइंट इज रॉयल फैन इज एन अमेजिंग कंपनी, तो मतलब हमेशा नई इनोवेशंस और नई चीज़ें आ रही होती हैं। जब फैंस की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके ऑफकोर्स रूम कूलर्स भी हैं, मिस्ट फैंस भी हैं, पेडिस्टल फैंस भी हैं, ब्रैकेट फैंस भी हैं, एक वेरिएशन है फैंस की। एक ऐसी चीज़ जो वो बनाते हैं जो मेरे घर में भी पर्सनली है और जिसको भी मैं जानती हूँ उन्होंने इसको परचेज ज़रूर किया है, मैं बात कर रही हूँ रॉयल की वॉशिंग मशीन की। रॉयल की वॉशिंग मशीन का लार्ज पल्सेटर है जिसका पावरफुल पल्सेटर कोई भी दाग ना छोड़े और करे मुकम्मल धुलाई। रॉयल फैन वॉशिंग मशीन की थ्री वे वाटरफॉल टेक्नोलॉजी है, वो डिटर्जेंट का भी खर्चा आपको बचा देती है और मिनटों में जो है आपके कपड़े चमका देती है। रंगदार मतलब बेसिकली आपको रगड़ना और वो जो कहते हैं ना कपड़ों को जो मार मार के साफ़ करते थे वो ज़माना अब चला गया, रगड़ने के दिन गए। आप कपड़े साफ़ करें रॉयल फैन वॉशिंग मशीन के सिंक लिड के साथ। रॉयल फैन की, रॉयल की जो वॉशिंग मशीन है उसका जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है, 3D रोटेशन है और कम वक्त में ज़्यादा सफाई आपको मिल जाती है। ड्यूरेबल पावरफुल मोटर है रॉयल वॉशिंग मशीन की जो देर पा और पायदार बनाती है इसको। ABS मटेरियल है जो रंग जो जंग की जो आपको टेंशन होती है, फिक्र होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रॉयल वॉशिंग मशीन की प्लास्टिक बॉडी बनाई गई है, वो देर तक लास्ट करती है। और ये जो अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरी वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनमें जंग लग जाता है और फिर आपके कपड़े साफ़ होने के बजाय बर्बाद हो जाते हैं, आपके कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं, रॉयल वॉशिंग मशीन आपको हर लेवल पे परफेक्शन देती है। 6+1 वारंटी, ये रॉयल वॉशिंग मशीन का एक बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग फीचर है, यानी कि 6+1 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है जिसमें मोटर की 6 साल की वारंटी है एंड देन उसके साथ 1 ईयर आपके ड्रायर की वारंटी है जो और किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलती। और वारंटी तो अपनी जगह, मशीन ठीक करवाना की प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि फ्री होम सर्विस आपको मिलती है। आप भी फौरन ऑनलाइन जाके ऑर्डर करें रॉयल की वॉशिंग मशीन www.royalfans.com पे और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस फ्री गिफ्ट एज वेल एंड उसके साथ साथ मतलब घर पे आपको डिलीवरी मिलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। सो वी रिकमेंड रॉयल वॉशिंग मशीन, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं कुछ म्यूज़िक और हल्ले गुल्ले की तरफ। इरफान ज़िया साहब, ओवर टू यू। जगनू लांदी जांदी है सबनू टल्ली कर जांदी, जगनू लांदी जांदी है सबनू टल्ली कर जांदी। नखरे दे तेरे फैन कुड़े सबनू कीता तू बैन कुड़े, तेरे एटीट्यूड दी हर चल सबको नहीं सही हो जांदी। जगनू लांदी जांदी है सबनू टल्ली कर जांदी, जगनू लांदी जांदी है सबनू टल्ली कर जांदी।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जितने झंडियाँ हमने लगाई हैं उससे ज़्यादा दोस्ते इस वक्त हमारे सेट पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये दो चटनियाँ भी आपने साथ दी थी, इसका भी तो बता दीजिए। बेसिकली सांभर होता है, वेजिटेबल के साथ बनता है, और कोकोनट चटनी होती है इसके साथ, जो रेलिवेंट आइटम है जो इसके साथ खाई जाती है। सही। अच्छा, मिठाई पे मैं आगे जाके बात करूंगी, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वाले सेगमेंट में सबको हम मिठाई खिलाएंगे भी। लेकिन ये बताएं, जब हम जश्न बहारा की बात करते हैं तो आपके जहन में बहार में सबसे पहले क्या बात आती है? देखिए जुगन, जहाँ तक हमारे बचपन की बात है तो बहार से तो रिलेट सबसे पहले तो बसंत को किया जाता था हमारे, क्योंकि एक जब बचपन से लेके ये 1985 में बसंत जो है बहुत ज़्यादा एक किस्म का लाहौर में एक जश्न की शक्ल इख्तियार करनी शुरू की, और ये 2002 तक ये चला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बसंत पर बात करने से पहले ना हमें सबसे पहले उन माओ से, उन बहनों से, उन फैमिली वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस मौजू पे बात करते हुए भी, जिन बच्चों के गलों पे डोरे फेरी। बिल्कुल, हम लाहौर वाले इस बसंत से प्यार तो ज़रूर करते थे, लेकिन हम उन बच्चों से उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे जिन बच्चों, जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे, तो हमारे लिए वो बड़ा पेनफुल बात है। मैं जब भी इसकी बात करता हूँ तो मैं बड़ा एक हो जाता हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इस बात की, हमने अपना शौक ही निकाल दिया। अच्छा, पता है भैया एक दो बातें, बिकॉज हम बड़ी पॉजिटिव बातें करते रहे दो तीन दिन से, लेकिन नान भाई ने एक ये बात और दूसरी बात जो उन्होंने कही, ये जो फायरिंग वाला सिस्टम है, व्यूअर्स मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको पता है आप लोग कौन हैं जो अपनी शादियों पर आप लोग फिर भी फायरिंग करते हैं? Exactly. ये चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, ये नहीं अलाउड, और जो लोग करते हैं उनको पता है। मैं भी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी जब भी शादी होती है फायरिंग की आवाज़ आती है और मुझे 15 कॉल करना पड़ता है। इसलिए नहीं व्यूअर्स के मैं किसी की खुशी को ख़राब करना चाहती हूँ, इसलिए कि उस खुशी के मौके पे खुदा ना खास्ता वो बुलेट किसी बच्चे को, किसी बड़े को या किसी जवान को भी लग जाए, खुशी मनाने तो खुशी का मौका बर्बाद हो जाता है। और ये क्या खुशी, लॉजिकल जरा सोचे एक सेकेंड के लिए, पिस्तौल या गन एक नेगेटिव चीज़ है, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, उसको फायर करके आप खुशी मना रहे हैं एक बुरी चीज के थ्रू। आप खुशी को क्या आपने कुछ करना है? जो आपने पैसे जाया करने गन के अंदर जो बुलेट्स वगैरह डाली है, वो पैसे आप लोगों के लिए एक लंगर लगा रहे हैं उन सारे दिनों जिन दिनों में शादी चल रही है, ताकि बरकत भी हो। खुशी मनाने का तरीका क्या है ना, ये वे आउट है ना, अपने आप को खुश रखें, खाना खिलाएं लोगों को, एंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें। अब देखें आप अमेरिका में रहे हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे तो इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं होती, फेस्टिवल्स वहाँ पे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट इस किस्म की चीजें नहीं अलाउड होती। तो क्या आप अपने प्रोग्राम के इस तवसुत से वजीर अला पंजाब इमरान खान साहब को ये एक पैगाम दे सकती हैं कि ये लाहौर का एक फेस्टिवल था, इस फेस्टिवल को सेफ नहीं हम बना सकते? मैं आपको एक बात बताऊं, ये आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, और ये मुझे दो तीन डिफरेंट रेफरेंसेस से बात पता चली है कि खान साहब की ख्वाहिश है कि ये फेस्टिवल किसी तरह रिवाइव हो जाए तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप अथॉरिटीज के साथ जब बात करते हैं ना, पुलिस हो गई, बाकी फोर्सेस हो गई, उनसे डिस्कस करें, तो बात ही की गारंटी क्या है कि जब किसी ने डोर खरीदी और चलाई, वो प्लास्टिक की है या वो नॉर्मल वाली डोर है या उसमें शीशा लगा हुआ है? डोर बनाने वाले हम देखे, हमारे बचपन में हम लोग डोरे लगवाते थे खुद जाके, रोड साइड पे खड़े होके शीशे का पूरा मांजा बनवा के, मुझे शौक था, बेतहाशा शौक था, अपने शौक को पूरा करने के लिए बचपन के एक साल नहीं, लगातार तकरीबन को 18-20 साल हमने काम किया है। लेकिन रीजन ये है कि क्या आज की डेट में हम सेफ पतंगबाजी नहीं कर सकते?
क्या दुनिया के दूसरे मुमालिक में सिस्टम्स नहीं है? क्या हमारे मुल्क में सिस्टम नहीं बन सकता? आज माशाल्लाह हेल्थ कार्ड आया है। मैं अच्छा मैं आपको अब यहाँ पे डिसएग्री करूंगी। देखिए मुझे पता है कि हर किसी को शौक है कि गवर्नमेंट को बुरा भला कहे, ये अब ट्रेंड बन गए। आपको भी पता है, नहीं मैं आपकी बात नहीं करी, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं दूसरे चैनल्स पे बात करी, स्पेशली न्यूज चैनल्स पे व्यूअर्स, आपको भी पता है बिला वजह ना गवर्नमेंट के पीछे। देखिए हम जो सिटीजन हैं हमें भी तो जिम्मेदारी लेनी है। देखिए बाहर के अब सिंगापुर में च्युइंगम बैंड है, आप वहां पे च्युइंगम नहीं चबा सकते। वहां का बंदा ना तो बाहर जाके च्युइंगम खरीद के लेके आता है ना ही वो चबाता है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो बाज नहीं आते। और शर्म आती है वहां पे, रोड साइड पे सिगरेट पीना वहां पे मना है। मैं स्मोकर हूं, मैं सिगरेट पी रहा था, मुझे लोगों ने जिस नजरिए से देखा मुझे अपने आप से शर्म आनी शुरू होगी कि व्हाट आई एम डूइंग। मैंने रोड साइड पे जाके सिगरेट बुझा दिया कि नहीं मुझे शर्म आती, लोगों को इस चीज का बुरा फील हो रहा है। तो वही वाली बात है ना, हम बाहर जाके तो उसूल फॉलो करते हैं, बाहर हम लोग कभी कूड़ा नहीं फेंकेंगे, लेकिन अपने मुल्क को बकायदा रोडों को हमने कूड़े के डब्बे बना दिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिस्टम आया पाकिस्तान में कैमरों से तस्वीर खींचने का, आपकी गाड़ी का चलान आपके घर आ जाता है, रात को 3 बजे भी इशारे पे खड़े होते नहीं होते? सिस्टम ही है ना, और तो कुछ नहीं है कि आपको इशारे पर अगले दिन चालान घर आ जाता है। I have a lot of faith कि हाँ साहब इवेंचुअली इस मामले को किसी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा फोकस है टूरिज्म पे। Exactly. जब टूरिज्म बढ़ेगा हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। और व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क के फाइनेंशियल हालात बेहतर हों, तो ये जो हमारे जश्न बाहर आके त्यौहार हैं, मेले क्यों बंद हुए? क्योंकि मेलों पर भी फायरिंग होनी शुरू हो जाती थी और अजीबो गरीब हालात। बचपन में मेले होते, आप देखे ना हमारे जो लाहौर पंजाब के जो मेन सिंगर्स हैं, जैसे आलम लोहार साहब हैं, ये सारे के सारे उन्हीं मेलों से ही सिंगर बने हैं। एग्जैक्टली सो बात ये है कि व्यूअर्स हमने अपने आप को ही सीधा करना है। Exactly. ये वो वाली बात है कि जब तक बच्चा तमीज से नहीं बिहेव करना शुरू करता, माँ बाप उसको खुली छुट्टी नहीं देते। खुली छुट्टी हमें तभी बननी है जब हम भी सीधे होंगे। Exactly. ये बड़े सालों की हमने बदतमीजियां सीखी हुई है जिससे हमने बाज आना है। सो अब हमें क्योंकि अपने गाने की तरफ जाना है तो अमीरा मीर कुछ सुना देना। आइए ना, इतने अमीरा भी तो नहीं ही बाय द वे। ओह मेरा माइक कहाँ गया? माइक 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 का माइक किधर है?
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहार की बात करें, सेलिब्रेशन की बात करें और मिठाई की बात ना हो, और स्पेशली मिठास की मिठाई की बात ना हो, इम्पॉसिबल बात है। भैया ज़रा हमें बताइए, जो हमने मिठास के डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स रखे हैं, मिठाई तो है ही, और बाय द वे व्यूअर्स आई हैव टू शो यू प्लीज़, इसका हमें क्लोज लेना है। मतलब आप ये देखें कि ये मिठाई है, ये वो नहीं है जिसको हम कहते हैं मार्जीपैन, ये मिठाई मिठाई है। क्योंकि लोग बड़े एक्साइटेड होकर मार्जीपैन को हमारे मुल्क में उठाया करते थे बाइट लेने के लिए, एक दो बड़ी बेकरीज का, और वो क्योंकि उसका कौड़ा सा टेस्ट होता है तो लोग नहीं खाते थे। Exactly. तो आपने वो माजी पैन की इतनी खूबसूरत लुक दे के, ये ऑल ड्राई फ्रूट है, ये जो आप देख रही हैं, ये स्ट्रॉबेरी देख रही हैं, या आप पान देख रही हैं, या जलेबी है, या सेब है, ये आपको याद है हमजा मेरे भाई के जो बेटे की बर्थ अनाउंसमेंट की, मैंने हमने यही वाले डाले थे, हमने वो बॉक्स बनाए थे लंबे वाले, और उसमें यही थी, उसमें हमने ये स्ट्रॉबेरी भी डाला था, पान भी डाला था हमने। तो ये सारी ड्राई फ्रूट वैरायटी है, ये इसमें नॉर्मल वैरायटी नहीं है। और ये मिठाई के लिए हम स्पेशली दुबई गए, वहां से हमने ट्रेनिंग ली, और ये डिफरेंट वैरायटी है जो पंजाब वालों के लिए एक खास तोहफा है हमारा। अच्छा, ये एक चीज जो बहुत ही खास तोहफा, ये महंगा बहुत होता है वैसे दूसरी जगहों पे? नहीं, ये दूसरी जगहों पे महंगा होता है, लेकिन ये लाहौर वालों के लिए मिठास में स्पेशली अपने यहाँ पे काम करके, यहाँ मेहनत करके, इस चीज को डेवलप करके आधे रेटों पे दे रहे हैं। ये होता है, इसको हम सोन पापड़ी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पतीसा की ही एक वर्जन होती है। Exactly. लेकिन याद है बुड्ढी माई के बाल, ये वही चीज है, ये वही है, लेकिन मजे की, बहुत मजे की, बहुत मजे याद है मरी में मिलता था, बिल्कुल मरी याद है, ये फर्क चीज है। पुरानी हूँ, बेहतरी पुरानी हो गई हूँ, हाय दुख ही हो गया। हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने कभी जश्न मारा एंजॉय भी नहीं किया। ये जरा खोल के हम अपने गेस्ट जो आए बहुत जरूरी है, भी टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ताकि हमें फीडबैक मिले कि कैसी क्वालिटी है, कैसी नहीं है। बिल्कुल सही। और फैसल, थैंक यू सो मच, ये हमारे फैसल भाई हैं, ये मिठास पे मिठास के करता धरता है। बिल्कुल। और बाय द वे देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क, आजकल रसमलाई, रसगुल्ले बहुत शौक से लोग खाते हैं, ठंडा दूध, मीठा दूध, पिस्ता वाला मिल्क भी है। अच्छा, वो दूसरा वाला भी है ना हमारा, पिस्ता बादाम वाला भी। हाँ, पिस्ता बादाम वाला भी है। सो डेफिनेटली ट्राई इट। और इनकी टूटियां, उस दिन हमारे घर में इवेंट था, आपको याद है, मैंने आपको कहा कि भाई मैं विद इन बजट रहना है, ये करना है, आपने कहा टूटियां कर देंगे, मैंने कहा टूटियां तो वैसी होती है, और वो जब हमने ट्राई की है तो इतनी लजीज, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी मीठा खा लो। अच्छा, तुम लोगों की क्या जश्न बहारा की यादें हैं बच्चा पार्टी? मैं अगर बताऊं तो मेरी एसएच कोई याद नहीं। हाँ हाँ बोले, तो कैमरा मेरी तरफ है। हाँ। जी बेटा, लाइव शो है। मैं अगर बताऊं तो मैंने सिर्फ नाम ही सुना है जश्न बहारा का। जब से हम पैदा हुए हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि बसंत हो रही है या कोई ऐसे फेस्टिवल्स हो रहे हैं। सही बात। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बस कहानियों की बात है, क्योंकि हमारे टाइम में नहीं हुआ। बट अगर पहले वाकई ऐसा होता था तो मैं चाहती हूँ कि हमें भी लाइफ में देखने का कभी ऐसा मौका मिले और दोबारा से ये सब स्टार्ट हो जाए। मिठाई खाओगी? अच्छा, आपके वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन इसे सबसे पहले कहा कि हम कश्मीरी हम सब कुछ खाते हैं। खा लाए, लगती तो नहीं हो कहीं से तुम कश्मीरी। बिल्कुल लेस शुगर वाली सूखी सी। बाय द वे, काम इसमें वो वाली उस लेवल की शीरे वाली चीनी मीठा नहीं है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर ये भी डाइट पे और दो प्लेटें खा गई है उसकी सारी चीजों। तुम्हें क्या जेलसी हो रही है? तुम्हारी बहार की कोई यादें हैं कि कख भी नहीं? कख भी नहीं, नहीं नहीं, ये बहुत पुराना है, इसकी बहुत सारी यादें हैं। क्योंकि ये हम सबसे उम्र में बड़े इसीलिए तो कह रहा हूँ। वो चुप करके बैठे हुए भाइयों ने कहा लफ्ज नहीं कहना। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इस मुंह मीठा करने वाले नोट पे। अपनी यादों को सोच रहा हूँ, यादों को सोच रहे हैं। यहाँ पर होता था बसंत मनाते, बसंत ही बात आ जाती है। अभी तो यहाँ पर था, मैंने कहा बसंत हुई नहीं है, नहीं हुई, लेकिन फिर भी जाए तो करते हैं वहाँ पर भी। बिल्कुल, आपको भी कुछ आइडिया नहीं होगा ना वो जश्न बहारा का फेस्टिवल होता था, मेले का, यू सी दैट्स द थिंग। लेकिन खैर, कल बात करेंगे फिर से जश्न बहारा पे, आप हमारे साथ रहेंगे कल भी। कल हम मजीद नए स्टॉल लगाएंगे, हम दिखाएंगे आपको और क्या क्या बॉम्बे चौपत्ती पे और मिठास पे मिलता है। शो को क्लोज करेंगे विद यू यंग मैन मिस्टर वायरल, तुम्हारा नाम ही मिस्टर वायरल है, आ जाओ मिस्टर वायरल, शो को क्लोज करो।